तीनों आयत अगर आपके जहन में है खुदाई वाली, तो पहली आयत के अंदर हमने इन्नी मुतवफीका से ये बात साबित की कि मैं तुम्हें फौत करूंगा, और फौत का लफ्ज सारे लोग बैठे हैं, सबके सब अच्छी तरह से वाकिफ है कि फौत होते ही नहीं होते लोग। इन्नी मुतवफीका का माना क्या है? मैं तुझे फौत करूंगा। आसान से ग्रामर, इसमें कौन से बड़ी बड़ी किताबें निकाल के दिखाने की जरूरत है? आसान से अल्फाज है बिल्कुल। इन्नी मुतवफीका, लोगों के रिश्तेदार फौत होते या नहीं होते? रिश्तेदार होते ना फौत, सबको पता है कि फौत होना किसे कहते हैं। इसमें कौन सी ऐसी परेशानी वाली बात है? और तवफा का माने के लिए ग्रामर के रूल निकालने से क्या वो फौत की खत्म हो जाएगी? इन्नी मुतवफीका, मैं तुझे फौत करूंगा। दूसरी वाली आयत में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं फलम्मा तवफ्फैतनी, पर जब तूने मुझको फौत कर दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं ना, दो मरतबा का जमाना ये साबित नहीं कर सके अभी तक कि दो मरतबा वो आएंगे, और नुज़ूल का तो सिरे से साबित नहीं कर सके। एक आयत मुझे सुनाइए जिसमें लिखा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम करीब जमाने के अंदर नाजिल होएंगे, ये कुरान की आयत पे लिखा हुआ है। मैंने आपको तीन आयतें सुनाई है, तीनों आयतों के अंदर ही मैंने साबित किया है बात, कद हलफ के लफ से भी बात साबित होती है कि अगर उसका माना सिर्फ जिंदा चले जा रहा है तो जितने अंबिया सबके सब जिंदा आसमान पे चले गए, फिर तो हमें हरी पगड़ी वाले नहीं चाहिए। अगर सबके सब अंबिया जो है वो जिंदा आसमान पे गए हैं तो हमारा अकीदा वही हो जाना चाहिए बिल्कुल। हमारा अकीदा ये है कि अंबिया कराम फौत होते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, और उसके लिए दलील बिल्कुल सीधी सीधी है। दुनिया के हर शख्स दुनिया में आता है, उसके लिए अल्लाह ने एक उसूल बयान किया है, कैफ तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। दो जिंदगियां और दो मौतें अल्लाह ताला ने हर जी रूह के लिए रखी है, और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सब वाकिफ है। जुबान ज़ाते आम आयत है कि हर नफ्स को जो सांस लेता है ना शख्स, उसके लिए मौत मौजूद है। तो क्या अंबिया कराम जो है वो फौत नहीं होते? एक कत खलत के लफ्ज से अगर आप फौत के अलावा कुछ और माना निकालेंगे तो मुझे बताइए एक नबी ईसा अलैहिस्सलाम की आप तख़सीस कैसे करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम को आप खास कैसे करेंगे 1,24,000 अंबिया में से? फिर तो सबके सभी आ जाना चाहिए वापस, 1,24,000 अंबिया आ जाएंगे। ये दलाइल तो हमारे वो वाले भाई पेश करते हैं, अहलीसों से ऐसे दलाइल की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने हमें ये बात कही, पहली बात तो ये है कि उन्होंने साहब का बातों का जवाब नहीं दिया, दूसरी बात ये है एक्सेप्ट कर लिया कि वहां मौजूद है, और जहां अल्लाह ताला मौजूद है वहां ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। बल रफुल्लाहु इलैह है ना, जहां अल्लाह मौजूद है वहीं ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। अब हदीस के अल्फाज मौजूद है कि पहले आसमान पर है या चौथे आसमान पर है, जो भी है, वहां से नाजिल होने का जिक्र कुरान मजीद की कौन सी आयत में? हमने सिर्फ बुनियादी सवाल यही किया है। 6 आयतें अब तक हम पढ़ चुके हैं, अब मैं इनको एक बार आयत दे देता हूँ, एक मिनट सिर्फ मुझे दे दीजिए। सूरह मरियम आयत नंबर 33, वापिस आने का तो कोई जिक्र ही नहीं आया एकदम। सूरह मरियम आयत नंबर 33, सूरह मरियम आयत नंबर 15 पहले देखिए, सूरह मरियम आयत नंबर 15। जी हाँ, यहां पर जिक्र हो रहा है यहया अलैहिस्सलाम का। या यहया खुज़िल किताबा बिकुवा, ए यहया किताब को पकड़ो कुव्वत के साथ, वा आतैनाहुल हुक्म सबिया, और हमने उनको छोटी उम्र के अंदर ही, जब वो सभी जो बहुत कम उम्र का लड़का होता है 8-9-10 साल का, उस उम्र के अंदर ही उनको हमने दानाई अदा कर दी थी, हिकमत अदा कर दी थी। और इसके आगे वाली आयत के अंदर ये हो रहा है, वस्सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, वस्सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, उनके ऊपर सलामती हो जिस दिन के वो पैदा हुए, वो यौमा यमूतु, जिस दिन वो फौत हुए, वो यौमा युबअसुहैया, और जिस दिन वो दोबारा उठाए जाएंगे। ये कायदा बयान हो रहा है किसके लिए? सारे लोगों के लिए। मैंने आयत पेश कर दी आपके सामने, सूरह बकरा वाली आयत जो है कि दो जिंदगी और दो मौतें हैं, वही उसूल यहाँ यहया अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल में आ रहा है कि उन पर सलामती हो जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनको फौत होंगे, और जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। यही आयत बिल्कुल देखिए करीब करीब आयत यही ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आ रही है, वस्सलाम अलैया, ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुतालिक कह रहे हैं कि वस्सलाम अलैया, मुझ पर सलामती हो, यौमा वुलिदतु, जिस दिन के मैं पैदा हुआ, वह यौमा अमूतु, जिस दिन, अब तो फौत का लफ्ज नहीं आ रहा, यौमा अमूतु, जिस दिन की मुझे मौत आएगी, ठीक है, वह यौमा उबअसुहैया, जिस दिन के मैं दोबारा उठाया जाऊंगा, जिंदा करके उठाया जाऊंगा। तो पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम एक ही बार फौत होंगे, एक दो बार दफा फौत नहीं होंगे, और जो तवफ़ैतनी का लफ्ज आया है वो इसी लफ्ज की शरह है,
वही कायदा कुलिया के जो हर रसूल के लिए अल्लाह ताला ने रखा है, वही कायदा कुलिया ईसा अलैहि सलाम के लिए भी रखा है। उसके अंदर कोई तख़सीस नहीं है, उनकी अपनी कोई तख़सीस नहीं है। या तो रूह कब्ज़ होगी या नींद होगी, दो ही बातें है ना इस आयत की रोशनी में। यार भाई देखिए, पूरा पूरा लेने की जीरो के लिए दो ही सूरतें बनी, आपने पेश किया है यार, आपने पेश की एक मिनट, आपने इसकी मैंने पेश नहीं की। मुझे तो बोलने यार, मेरा टाइम है भाई, मेरा टाइम है। आपकी मैंने बातें सुन ली ना सारी, आपकी मैंने सारी बातें सुन ली, मैंने नुक्ते भी सुन लिए, दलील का जवाब जल्दी से दे दे। मैं तो सिर्फ कुरान की आयत पढ़ के पेश कर रहा हूँ, मैं तो लंबी बात ही नहीं कर रहा। अल्लाह यतवफ्फिल अनफुसा, अल्लाह ताला नफ्सों को फौत कर देता है उनकी मौत के वक्त, ठीक है। वल्लती लम तमुत फी मनामेहा, और वो लोग के जो नहीं मरे हैं उनकी नींदों में, नींद के वक्त, मनामेहा। इन्होंने खुद ट्रांसलेशन कर लिया है कि जब जीरू होगा, नफ्स होगा, तो उसके लिए फौत की दो सूरतें, या तो कब्ज़ रूह हो जाएगा परमानेंट, या टेम्परेरी होगा और वो सब नींद की हालत में होगा, वही सूरतें हो सकती है ना। क्या ईसा अलैहि सलाम नींद की हालत में है ये एक्सेप्ट करते हैं? क्या ईसा अलैहि सलाम नींद की हालत में इस आयत की रोशनी में? मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके बारे में ले लिया ना, किस कैफियत में लेता है वो? जिस अगर देखिए, अगर पहली सूरत होती है, अगर पहली सूरत होती है दो सूरतें है ना, दोनों सूरतें आपने एक्सेप्ट कर ली। पहली सूरत इसी आयत में बात हो रही है कि जब मौत का वक्त आता है, जब मौत का वक्त आता है तो फिर उसके उस वक्त जो है रूह कब्ज़ कर ली जाती है। पहली सूरत तो ये है। इस आयत की रोशनी में जब जब आप कुरान की तशरीह कुरान से ही करते हैं, वहां पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ईसा अलैहि सलाम के लिए तवफ़ा का, और ईसा अलैहि सलाम कयामत के दिन कह रहे हैं जब फलम्मा तवफ़ैतनी, बस जब तूने मुझको उठा लिया, ठीक है। अब इस आयत दूसरी आयत की रोशनी में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है। रूह का जो तवफ़ा होता है वो दो ही सूरतों में होता है, या तो मौत में होता है या नींद में होता है। नींद का टेम्परेरी होता है, दोनों सूरतों में जिस्म यहाँ होता है, ठीक है, दोनों सूरतों में जिस्म इधर होता है, और तवफ्फा ही होता है वो रूह की, रूह कब्ज कर लेने का नाम है, रूह लेने का नाम है, जिस्म लेने का नाम तवफ्फा नहीं होता। अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नी मुतवफ्फी का, पहले वाले पोर्शन से कब्ज रूह साबित हो जाता है, वराफ होगा अलैया, फिर तुमको उठा लूंगा अपनी तरफ। दूसरे वाले पोर्शन से कुरान जो मेरी पहली दलील थी, दूसरे वाले पोर्शन से यह बात साबित हो जाती है कि तुम्हें तुम्हारी रूह कब्ज कर लूंगा और तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा, जिस्म को उठा लूंगा, ईसा अलैहि सलाम को जिस्म उठा लिया गया है, दोनों आयतें बिल्कुल मुकम्मल हो चुका मामला। तीसरी दलील ये थी कि तुम्हें बचा लूंगा काफिरों के हाथ से, और चौथी दलील ये थी कि तुम्हें गलबा दूंगा। चारों के चारों बातें पूरी हो चुकी हैं। ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले मुसलमान भी हैं और ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले क्रिश्चियंस भी हैं, दोनों की तादाद आप मिला लें तो उनको गलबा हासिल है आबादी के ऊपर। ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने बचाया, उसकी इन्होंने जो आयत पेश की बिल्कुल उसमें हूबहू एग्जांपल मौजूद है कि ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह से बचाया। दारुल अमान।